हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 कार्यालय करनाल संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की मीटिंग जिला प्रधान दिलबाग कुंडू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सेठपाल चौहान राज्य उपप्रधान ने बताया कि संगठन रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का 11 से 2 बजे तक सभी जिलों में समर्थन करेगा व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ब्रांच सचिव धर्मवीर शर्मा ने कर्मचारियों को बताया कि हरियाणा सरकार सभी विभागों का निजीकरण करने में लगी है, जो कि चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देने व निजीकरण का विरोध करते थे। आज सरकार अपना चुनावी एजेंडा भूलकर कर्मचारी विरोधी नीति अपना रही है। आंदोलन पे होगा और अपने स्वार्थ में ये जो सरकार कर रही है, अपने स्वार्थ के अंदर कर रही है, ये अपनी बसों को लगाना चाहती है, क्योंकि ये 700 बसें हरियाणा रोडवेज अगर मोल ले ले, जब हरियाणा एम्प्लॉयज ये कह रहे हैं हक हम अपनी तनख्वाह कटवाने के लिए भी तैयार है, हरियाणा रोडवेज बेड़े में 700 बसें भर्ती करे और 700 कंडक्टर भर्ती करेगी, 700 रोडवेज भर्ती ड्राइवर भर्ती करेगी और मैकेनिकल स्टाफ भर्ती होगा, तो कितने 5000 आदमियों को रोजगार मिलेगा। इससे अगर ये 700 बस अपनी दिखाते हैं तो सिर्फ 2-4 आदमियों की जिनकी ये बसें होंगी उन्हीं को फायदा होगा, उन्हीं का घर चलेगा, और वरना 5000 आदमियों का घर चलेगा अगर ये रोडवेज निजीकरण करने की बजाय हरियाणा सरकार के बेड़े में बसें भर्ती करे। तो हम ये कहते हैं सरकार को समय रहते कि इस बात को कैंसिल करे और 720 बसों का जो इनका प्रोग्राम उनको कैंसिल करके हरियाणा सरकार रोडवेज के बेड़े में बसें खरीदे 700 और उसको इस बेड़े में शामिल करे। हम इस कर्मचारी मांगों को मान के और इस बात के, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। क्या नाम है? धर्मवीर।